बिहार के दरभंगा में रैगिंग के नाम पर छेड़खानी का मामला सामने आया। शहर के दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सीनियर छात्रों पर 3 छात्राओं के साथ रैगिंग करने का आरोप लगा, जिसके विरोध में बुधवार को छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी और मेन गेट पर धरने पर बैठ गईं। रैगिंग की वारदात के बाद छात्राएं सहमी हुई हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने आरोपी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई छात्रों पर की गई है। हम लोग के हॉस्टल की 3 लड़कियों के साथ 2 सीनियर बहुत ज़्यादा बदतमीजी किए हैं। वो लोग हम लोग का हाथ पकड़ने का कोशिश किए हैं, गले पे हाथ रखे हैं, कोशिश नहीं किए पकड़े, हाँ हैंडशेक किए हैं और हम लोगों से बहुत ज़्यादा गले मिलने का कोशिश किए हैं, धमकी दी है सरेआम की फर्स्ट ईयर की लड़कियों को, यूँ उठवा लूँगा हॉस्टल में 1 बजे रात में आऊँगा, फ़ोन से ज़बरदस्ती फ़ोन से छीन के नंबर ले लिए और डेली मैसेज करते हैं, अपना फ़ोटो भेजते हैं। प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल जो भी हैं उनसे बात किए हैं तो वो 3 दिन से डेली बुलवाते हैं, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। एक लड़का पर मैं कुछ बच्चों द्वारा लड़कियों द्वारा कहा गया जिसके साथ मैंने वो मिसबिहेव किया था, उसकी हम लोगों ने जांच भी की है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं किया है, जांच में वो लड़का डिनाइ करता है, फिर भी हम लोग उसके गार्जियन को बुलाए हैं और उसको तब तक के लिए, जब तुम गार्जियन को लेकर के मेरे यहाँ नहीं आता है तब तक के लिए हमने जो है उसको कॉलेज आने से सस्पेंड कर दिया, जो कॉलेज आपने सूचना आई थी कि मब्बी थाना अंतर्गत एक दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय है, वहाँ फर्स्ट ईयर की कुछ छात्रा हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाया था कुछ अपने सीनियर्स पे, तो प्रथम दृष्टि मामला रैगिंग का लग रहा है। बाद में हम लोगों को सूचना मिली थी कि जो कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी है उन्होंने भी कुछ एक्शन लिया है, उन्होंने उन लड़कों को सस्पेंड भी कर दिया, उनके माता पिताओं को भी बुलाया है, तो हमने लोकल थाने को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो भी जानकारी ले लें, हम लोग उनसे भी जानकारी मंगा लेते हैं कि कॉलेज ने क्या एक्शन लिया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।